चाहे आप एक एम्प्लॉई हैं जो कि नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता है, चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर है जो एक इन्वेस्टर को पिच करना चाहता है, या आप एक स्टूडेंट है जो नेक्स्ट इंटरव्यू क्लियर करना चाहता है, एक कॉमन चीज जो आप तीनों को करनी होती है वो होती है कम्युनिकेशन या पब्लिक स्पीकिंग। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कुछ ऐसे टिप्स जो आप घर बैठे अपनी पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली चीज जो आपको गांठ बांध के रखनी होगी, जैसे कहते हैं, या फिर फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट लर्निंग अबाउट कम्युनिकेशन और लर्निंग अबाउट पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट अ स्प्रिंट। ये कोई एक घंटे या एक दिन का काम नहीं है, इट्स लाइक अ मैराथन। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव। आई एम कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग, आई नो माई कोचेज आर कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग। सो यू हैव टू गेट इन टू द राइट माइंड सेट की यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करना पड़े। इट्स नॉट दैट कि आपने एक सेशन किया, एक घंटा कुछ किया और हो गया। सो जो भी आपको ये टिप्स बताने वाला हूँ, ये टिप्स आपको कंसिस्टेंटली ओवर द टाइम यूज करना होगा। यू डोंट हैव टू यूज ऑल द टिप्स ऑल द टाइम, बट इवन इफ यू कैन यूज 2-3 टिप्स आउट ऑफ दीज टिप्स, इट विल मैसिवली चेंज द वे यू कम्युनिकेट। सो आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले कुछ बातें करते हैं जो आपको अवॉइड करनी है, हाउ नॉट टू प्रैक्टिस पब्लिक स्पीकिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग प्लान ही नहीं करते हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, दैट इज कॉल्ड अवॉइड प्लानिंग। वो प्लान ही नहीं करते हैं, वो सब कुछ करेंगे लेकिन पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस, कम्युनिकेशन प्रैक्टिस से इतना उनको डर लगता है कि वो प्लान भी नहीं करते कि कैसे मैं 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट रोज प्रैक्टिस कर सकता हूँ, इवन दो मेरा इंटरव्यू 2 हफ्ते बाद है या मेरा प्रमोशन इंटरव्यू 3 हफ्ते बाद है, उसकी प्लानिंग ही नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं कि नॉट डूइंग एनी प्लानिंग। और जो दूसरी बहुत बड़ा ब्लंडर या मिस्टेक लोग करते हैं, लोगों को लगता है ओवर कॉन्फिडेंट। आप कभी मिले किसी ओवर कॉन्फिडेंट स्पीकर से? मैं बहुत सारे ओवर कॉन्फिडेंट स्पीकर से मिला जिनको लगता है अरे मैं तो कर ही लूंगा, मैं तो टॉप हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं। दैट इज द फर्स्ट साइन ऑफ योर डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी। अगर आप सुपर कॉन्फिडेंट हैं, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बिलीव इन योर एबिलिटी। बट अगर आपको ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है, देयर इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। तो अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट है, यार मुझे नहीं पता, मुझे पता भी नहीं करना है क्या करना, देख लेंगे, व्हेन यू गेट इनटू दैट एटीट्यूड, दैट इज श्योर शॉर्ट वे टू गो टू डाउनफॉल। तो जो दूसरी मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है, डोंट लिव इन दैट इल्यूजन, डोंट से कि उस दिन पे जाके कर लेंगे, कुछ फिगर आउट कर लेंगे। और तीसरा जो सबसे बड़ा मिस्टेक बहुत सारे एंड बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, वो है प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जब आप शीशे के सामने, मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज प्रॉब्ली वन ऑफ द वर्स्ट वे टू प्रैक्टिस, एंड देयर आर मल्टीपल रीजंस। नंबर 1, कि आप बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, आप खुद को ही देखे जा रहे हैं, तो यू आर नॉट एबल टू कम इनटू दैट, यू आर सेल्फ क्रिटिकल कि अरे यार ये मैंने ये भी नहीं किया, मैंने वो भी नहीं किया, एंड यू डोंट हैव अ रिकॉर्ड, आपके पास पता नहीं आपने क्या किया, तो यू कांट इवन एनालाइज। अब बात करते हैं कि हाउ टू प्रैक्टिस, व्हाट आर द डूज, हाउ टू प्रैक्टिस पब्लिक स्पीकिंग। तो मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसी चीजें, 7 ऐसे तरीके जिससे आप प्रैक्टिस जब आप करते हैं, चाहे वो आप घर से कर रहे हैं, ऑफिस से कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हैं, यू कैन गेट सम मैसिव रिजल्ट। नंबर 1, स्टार्ट रिकॉर्डिंग योर सेल्फ। जब आप रिकॉर्ड करते हैं, नॉट इन फ्रंट ऑफ द मिरर बट कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड करते हैं, एंड देन यू स्टार्ट एनालाइजिंग, यू विल बी एबल टू फाइंड पैटर्न्स कि आपको क्या इंप्रूव करना है, क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या नहीं अच्छा कर रहे हैं, क्या और कर सकते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू गेट इनटू द हैबिट ऑफ डेली रिकॉर्डिंग, डेली वीडियो मेकिंग। सो दैट्स द फर्स्ट वन। नंबर 2, मेक इट पार्ट ऑफ योर रूटीन। आप डिसाइड कर लो मुझे रोज करना है, सुबह करना है, शाम को करना है, रात को करना है, वॉक करने जा रहा हूँ तब प्रैक्टिस करनी है, या घर में जा रहा हूँ, घर में हूँ तब प्रैक्टिस करनी है, बट मेक इट पार्ट ऑफ योर रूटीन। जब आप उसको एक अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं, देन यू विल गो ऑन अ मैसिव ग्रोथ जर्नी। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस, पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस को, कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस को अपने डेली रिचुअल, अपनी डेली हैबिट्स का हिस्सा बना रहे। नंबर 3, डू अ चैलेंज, लाइव चैलेंज। किसी भी सोशल मीडिया पे जाइए, जो भी आपका फेवरेट हो, वहां पे जाके यू गो एंड अनाउंस, हे गाइस आई एम गोइंग टू कम लाइव फॉर नेक्स्ट 30 डेज, 50 डेज, 90 डेज, व्हाटएवर इज योर चॉइस, बट डू दैट। आई हैव डन इट मायसेल्फ। मैं 90 डेज का चैलेंज का पार्ट रहा हूँ, 30 डेज का पार्ट रहा हूँ, 51 डेज का पार्ट रहा हूँ, एंड आई कैन टेल यू द ग्रोथ इज इनॉर्मस। इफ यू नॉट कंफर्टेबल गोइंग लाइव इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, जस्ट गो लाइव प्राइवेटली, जस्ट गो लाइव इन फ्रंट ऑफ अ क्लोज ग्रुप, जस्ट गो लाइव इनटू सम प्लेसेस वेयर यू नो कि यहाँ पे कोई मुझे नेगेटिव कमेंट नहीं देने वाला है, बट स्टार्ट और गेट इनटू अ प्रैक्टिस ऑफ गोइंग लाइव। आई हैव ट्राइड दैट, लॉट ऑफ माय मेंटीज, लॉट ऑफ माय कोचेस हैव डन दैट, एंड दे हैव ऑल रिसीव्ड रिमार्केबल रिजल्ट। नंबर 4 इज जॉइन
any speaking organization. When you become a part of a speaking organization, Toastmaster is a great example of it. It really promotes public speaking. You get into an environment jahan pe aapko practice karne ka man karta hai. You get some feedback. You go there every time. You know, you practice impromptu speaking, long form speaking, evaluation speaking. That helps you build your confidence to go and cater to different kinds of audience. Number five, this is something which does not directly involve speaking, but it is very much part of it, is analyze other great public speakers. I would say for the next 30 days or 60 days, roj aap itne sare YouTube videos dekhte rehte ho, take up one great speaker every single day. There are so many great speakers. Kisi bhi great public speaker ka ek video aap uthao aur start analyzing. Sirf usko enjoy nahi karo, enjoy kar raha, but saath saath mein karo ki ye kaise bola, kahan pe pause liya, kya body language thi, kya stance tha, kahan pe stage movement tha. When you start analyzing subconsciously, unconsciously, you will also start incorporating. Jisko ek term hota hai English mein, kehte hai model. Model your mentors. So learn from great speakers so that you can incorporate in your own speaking. Number six hai, use AI tools. As many of you know, I am part of the advisory board of Udly. Use those AI tools. Udly is a great example where you can go and start practicing. It gives you a lot of prompts. It tells you ki aapki speed kya thi, aapka eye contact kaisa tha, aapka smile kaisa tha, aapka language kaisi thi, was it good or bad? And use those AI. AI is everywhere, right? So use those AI to improve your public speaking. Udly is one, and there are others as well. And seventh or final tip for you is, if you really need to go to the next level, get a professional coach. Doesn't matter which coach, take a coach who will help you, who can 10x your journey. Having a coach can really make all the difference. So get a professional coach who can help you in your communication and public speaking journey. Now, if you are someone who wants to learn about public speaking and storytelling, who wants to go to the next level, I would love to have you as part of my paid storytelling community, where I give you options to go through courses, certification, challenge, community, and coaching. So if you want to be one of those, please write me in the comment section and my team will respond to you. Until next time, as I say every time, keep learning, keep growing, and keep going out of your comfort zone. This is Aritosh Srivastava. I'm gonna see you in the next video.